शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात आज वर्दी की होगी, उस दागदार वर्दी की जिसके बाद अब समाज शायद ये समझने में उसको दोराहे पर खड़ा होना पड़े कि आखिरकार वो गुहार कहां पर लगाएगा, न्याय की गुहार। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, ललितपुर रेप केस से जुड़ी एक बड़ी खबर है ये। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी SHO गिरफ्तार हो चुका है। प्रयागराज में आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई थी और उसी लोकेशन के आधार पर तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। SHO तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि इन्हें पूर्व SHO बोला जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। ललितपुर रेप केस से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी, ये वही दरिंदा है जिसने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया जब वो न्याय की गुहार लगाने के लिए न्याय के दरवाजे पर पहुंची थी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको प्रयागराज से दे रहे हैं इस वक्त की। ललितपुर रेप केस से जुड़ी हुई SHO, पूर्व SHO तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। ललितपुर में नाबालिग के साथ थाने में रेप मामले पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। दुष्कर्म के आरोपी ललितपुर थाना इंचार्ज को पहले ही पद से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब ADG कानपुर जोन भानु भास्कर ने बड़ी कार्रवाई किया जिसमें पाली थाने के सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, निलंबित किया गया। शहर में 13 साल की किशोरी ने SHO पर रेप का आरोप लगाया था, इसकी तहरीर किशोरी की मां ने दी। उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी तिलकधारी सरोज ने कमरे में ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसका खुलासा होने के बाद, ये खुलासा कब हुआ वो भी समझ लीजिए, जब ये नाबालिग चाइल्ड लाइन को सौंपी गई, काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के दौरान खुलासा पूरे मामले का हुआ है। और अब इस पूरे मामले की जांच झांसी के अधिकारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं पूरे मसले को लेकर के। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ललितपुर मामले पर ट्वीट किया है, हालांकि वो ललितपुर भी पहुंचे हैं जहां पर रेप पीड़िता के साथ में परिजनों से मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि न्याय को ही लोगों के दरवाजे तक नहीं पहुंचना होता, कभी कभी न्याय की पुकार के लिए लोगों के दरवाजे भी जाना पड़ता है। क्या कुछ इस दौरान पहुंचते ही अखिलेश यादव ने कहा, सुनिए। कल्पना कर सकते हो, पुलिस की ने जान ली हो और पुलिस ही कहानी बदल रही हो, आपको हमको दुख नहीं होना चाहिए? आज के समय पर हम दुनिया में क्या चेहरा दिखाएंगे? मैंने यही सवाल पूछा है कि क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? यहाँ पर उस बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है और क्या थाने अराजकता के सेंटर नहीं बन गए? तो ये जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये उसी दरिंदे की तस्वीर है जिसने खाकी को बेआबरू कर दिया है। आरोपी SHO जिसके ऊपर दरिंदगी के हदों तक जाने के तमाम आरोप दर्ज हैं, कि जब न्याय के लिए आप दूर से खाकी को देखते होंगे, भय के माहौल में दूर से खाकी को देख के एक संतोष मन में आता होगा कि शायद यहां न्याय मिल जाए, शायद यहां सुरक्षा मिल जाए। चलिए ग्राम जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में विजय जैन जुड़े हुए हैं ललितपुर से, तो वहीं प्रयागराज से आनंद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रयागराज का रुख करेंगे, आनंद जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आनंद, SHO को आखिरकार पकड़ा गया प्रयागराज से, लास्ट लोकेशन भी प्रयागराज की थी जो कि ट्रेस हो चुकी है। देखिए पूजा मान, जो प्रयागराज में ललितपुर के ASO की गिरफ्तारी हुई है, यह अहम में बहुत बड़ी बात है क्योंकि घटना के बाद से ASO फरार चल रहा था और प्रयागराज में ललितपुर की टीम, प्रयागराज की पुलिस की टीम मिलकर कई जगह छापेमारी कर रही थी। जैसे उनके रिश्तेदारों के घर फाफामऊ के इलाके में ASO के रिश्तेदार रहते हैं, वहां पर कौशाम्बी में ससुराल है वहां पर, तो कई जगह छापेमारी की तो पुलिस को कामयाबी के रूप में ASO अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस प्रकार की घटना वो भी ललितपुर UP में घटित हुई है और पुलिस की वो भी खाकी पर ऐसे सवाल या निशान है, तो कहीं ना कहीं जो यूपी सरकार और है, और सबसे बड़ी बात आनंद यहाँ पर ये है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। गोरखपुर से लेकर के तमाम वो क्षेत्र जहां पर खाकी हमेशा कटघरे में खड़ी रही, लेकिन इस बार हद हुई है। इस बार न्याय की उम्मीद जिस खाकी से की जा रही थी उसी ने न्याय को बेआबरू कर दिया। ललितपुर से हमारे साथ में विजय जैन जुड़े हुए हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट है? SHO मेरे ख्याल में प्रयागराज से अब ललितपुर पहुंच गया होगा, उसको आगे की कार्रवाई कहां तक पहुंची है,
क्या लाइन हाजिर किया गया है, क्या कुछ बयान अभी तक दर्ज हुए हैं, पेशगी की क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी मैं आपको बता दूं, आज पीड़ित जो नाबालिका है उसके 164 के बयान दर्ज हो गए थे और SHO जो तिलकधारी सरोज है उसको पहले ही निलंबित कर दिया गया था, आज गिरफ्तार हुआ है, जानकारी गिरफ्तार हुआ है इलाहाबाद, लेकिन अभी ललितपुर नहीं आया। DIG इस पर सख्त नजर रखेंगे। इसी मामले को लेकर आज अखिलेश यादव भी यहाँ ललितपुर आए, प्रशासन ने काफी प्रयास किया उन्हें रोकने का, लेकिन शॉर्टकट एक दूसरे रास्ते से सीधे पे जिला अस्पताल पहुंचे। वो वहां जाके नाबालिग जो पीड़ित महिला है जिसके साथ थाने में बलात्कार होता है उससे जाकर वो मिले, वार्ता की, उसके बाद आके उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए, मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने क्या कि लगातार बुलडोजर चलाने वाले बाबा क्या आरोपी पुलिस कर्मियों के घर पे बुलडोजर चलाएंगे, जो इस रेप मामले में दोषी हैं क्या उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा, इसी प्रकार की तमाम बातें करते हुए कटघरे में खड़ा किया सरकार को। बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय आप हमारे साथ में बनी रहिए क्योंकि अगली खबर जो है वो भी इसी तरीके से संवेदनशील है, उस पर आपकी जरूरत होगी। ललितपुर के मेहरौनी का मामला, सोचिए एक मामला ठंडा भी नहीं हुआ लेकिन दूसरी तरफ आग जली है, और आग जली है तो धुआं भी होगा और कुछ राख भी बचे होंगे। चोरी के शक में महिला को कमरे में ले जाकर 3rd degree टॉर्चर किया गया। आरोप है कि उसके कुछ ना बता पाने पर पुलिसकर्मी ने महिला दरोगा ने उसे निर्वस्त्र कर दिया, बेल्ट से पीटा, जिसके निशान महिला के शरीर पर पड़े हुए हैं। मामला तूल ना पकड़े इसलिए पीड़िता को थाने ले जाया गया, जहां पति पत्नी के बीच विवाद बताकर शांति भंग मामले में बीमार पति सहित उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। पीड़िता परिजनों के साथ गाड़ी में लेटकर SP कार्यालय पहुंची, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। सोचिए खाकी इतनी बेलगाम हो गई है, एक तरफ मुद्दा चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ आग भी जल रही है। हमारे सर चोरी का अंजाम लगाया है कि तुमने हमारी चीजें उठाई है, हमने मैम से बोला हमने नहीं उठाया, इतने दिन से उनकी चीज उठी है तो उनने उस दिन तो बताया नहीं है, जिस दिन हम खाना बनाने गए उस दिन उनने कुंडी लगा लाई है मेरे, तो बोली अपने पति देव को बुलाओ, तो अपने पति देव को बुलाया, तो फिर अंदर फिर से कुंडी लगा ली, उनकी घर वाली ने वो कुंडी लगाई है, उनकी घर वाले ने वो कोर्ट वाले में जो टूटी करती थी उसने भी मारा है, फोन करके बुला लिया, फोन करके बुला लिया, जिस दिन हम बागेश्वर धाम जा रहे थे उस दिन उनने बुला लिया था, सो मैं जाने नहीं दिया। विजय जुड़े हुए हमारे साथ में। विजय ये दूसरा मामला, पहले मामले की आग ठंडी भी नहीं हुई है या यूं कहें कि उसमें सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये दूसरा मामला ये भी बेहद संवेदनशील है। किस तरीके से खाकीधारियों ने अपने बल का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है महिला के शरीर पर। जी मैं आपको बता दूं कि ये जो महिला पूजा है ये पुलिस कर्मी उसके घर ये खाना बनाने का कार्य करती थी और उस पर आरोप लगाया गया कि उसने चोरी की है। घटना के 15 दिन बाद उसको बुलाया गया और पुलिस वाला जो है अंशु पटेल और उसकी पत्नी ने उसे कमरे में बंद करके मारा, फिर एक महिला कांस्टेबल अंशु को बुलाया। विजय क्या अभी तक इन पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई हुई है? जी पुलिस कर्मी को जो आरोपी आरोप लगाया था उसको निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक ने DIG के आदेश पर, क्योंकि मामला जैसे ही DIG के संज्ञान में आया था DIG ने तत्काल गंभीरता से लेते हुए उसको निलंबन कर दिया है, निलंबित हो गया पुलिस। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद जरूरत है इस बात की कि जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास ये ताकत है कि वो न्याय दिला सकें, उन पर लगाम भी लगाई जाए क्योंकि शक्ति का संतुलन बेहद जरूरी है।